हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे और मस्त रहेंगे, मज़े में रहेंगे। तो बस जो है, मेरा नहाना धोना हो गया है और मैंने यहाँ पे बना लिया है फलाहार, क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो आज सबका फास्ट है, सबका नहीं है, सिर्फ मेरा है और चाचा का आज मंगलवार है, तो मंगलवार का फास्ट रखते हैं। तो आज उनका भी है, मेरा भी है, बाकी सबके लिए मैंने बनाया था खाना। और हाँ, आप लोग को मैं बोलना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ हो आप लोगों को। और यहाँ पर मैं चाचा के लिए फलाहार लेके जा रही हूँ। आलू लेकर वापस आ गई। वो आलू बिल्कुल नहीं खाते हैं क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं, तो आलू बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा दे दिया था कि खा लेंगे, लेकिन खाए नहीं। और इसके बाद फिर मैं भी जा रही हूँ फलाहार करने। तो बाकी बच्चे खाना खा लिए हैं, ये भी खा लिए हैं, आज इनकी भी छुट्टी थी। सक्षम को दिखाने गए हैं क्योंकि सक्षम के नाक से थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था, तो दिखाना ज़रूरी था, लगातार हो रहा था, तो वही गए हैं दिखाने। और मैं अभी जो है करने जा रही हूँ फलाहार, क्योंकि अभी हो गया है इवनिंग टाइम, तो मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही हूँ चाय। सक्षम, ये सारे खिलौने रख दो बेटा। ओके। सारे खिलौने निकलवाए हैं, सारे रख दो। और ये रही सक्षम की रिपोर्ट। तो सक्षम आज गया था दिखाने, क्या दिखाने गए थे बताओ तुम सब? मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और मैं पता चला है कि नाक में बहुत गहरा वो जख्म हो रखा है, तो फिर दवाइयाँ लिखी, मैं आपको दिखाती हूँ दवाइयाँ। तो इसके नाक से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो दो तीन दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। देख सकते हो कितनी दवाइयाँ मिली है मेरे को। दो तीन दिन से इसके नाक में ब्लीडिंग हो रही थी और नाक में सबको मतलब यही लग रहा था कि मतलब जैसे होता ना वो नक सीर फूटता है, तो इसकी वजह से खून बह रहा हो। लेकिन फिर बाद में पता चला, जब वहाँ दिखाने गए तो पता चला कि इसके नाक में घाव है, तो इसकी वजह से जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी और लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर तो आज फाइनली जो है दिखवाया गया, क्योंकि इग्नोर कर रहे थे कि ऐसे सबका होता था। मैं भी छोटी थी तो मेरे साथ भी होता था, नाकों से खून निकलता था, वो जो नकसीर फूटता है उसको बोलते हैं। तो हम लोग का एक टाइम तक तो ठीक हो गया, लेकिन इसका लगातार निकलता गया। तो मैंने सोचा कि एक बार दिखवा लेती हूँ, तो वही गया था दिखाने। इतने सारे दवा दिया, दवा ना टाइम से खाना है। हाँ। सारा ठीक है, लगाने वाला मम्मी चूसने वाले लगाने वाले दिए हैं, चूसने के लिए। और ये क्या है? चूसने के लिए, ये सिर्फ सुबह शाम चूसने। ये है विटामिन सी, ये सुबह शाम को चूसनी पड़ेगी। हाँ, ये सुबह शाम खानी है। ये सारे दवा लेकर नाक में डाल के, वैसे डॉक्टर बोले इससे आराम मिल जाएगा, लेकिन नाक में उंगली नहीं डालना है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कर रहे हो? शैतान बच्चा, शैतान हो तुम ना, बहुत शैतानी करते हो। चलिए मेरी चाय बन गई है, मैं चाय छाल लेती हूँ। सक्षम, अब मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी। और आज है महाशिवरात्रि, आप लोगों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। और आज लोग तो सब मतलब आज तो नॉर्मली मतलब जितने लोग हैं व्रत रखे ही होंगे, क्योंकि
तो आज के दिन तो बहुत लोग जो है व्रत रखे होंगे, क्योंकि हिंदू प्रथाओं में तो बहुत लोग जो है इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन कहते हैं ना शिव गौरी की शादी हुई थी, तो इसके उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और यहाँ पे लड्डू घूमने के लिए जो है बेताब है, लेकिन ये जो है इसको बहला फुजला के थोड़ा सा जो है मना ले रहे हैं, क्योंकि आज के दिन इतना भीड़ है जो है रोड पे, इतना भीड़ है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा अब बहला हुआ है। और मैं अब जा रही हूँ रात का अपने लिए बनाने फलाहार। तो इन लोग का खाना हो गया था, तो आज मैं अपने लिए सोची थी कि चलो व्रत की थाली तैयार करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खाने वाला तेल लिया है, जीरा के तड़का लगा दिया है, हरी मिर्च डाल दिए हैं और टमाटर कट करके डाल दिए हैं, एक चम्मच लाल मिर्च डाल दिए हैं और एक चम्मच छोटा जीरा डाल दिए हैं, जीरा पाउडर, नमक डाल दिए हैं और इसको आलू को मैंने कट कर लिया है। और बस, तो मैंने सिंपल से जो है मेरी फलाहारी जो है सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। लिट लगा देंगे जब तक ये पकेगी। मैं दूसरी तरफ जो है मखाना भून ले रही हूँ, क्योंकि मखाने की खीर बनाऊंगी। तो आज मैं व्रत की थाली तैयार करूंगी, जितना मुझे आता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और मखाना मेरा अब जो है अच्छे से भून गया था, तो मैंने उसको जो है क्रश कर लिया है। यहाँ पे 2 कुटी इलायची डाल दिया है, चीनी डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मखाना मैंने क्रश करके डाल दिया है। तो बस इसको 5 से 6 मिनट तक खोला लेंगे, तो मेरी जो है व्रत की थाली बनकर रेडी हो जाएगी। तो अभी ये लोग खेल रहे थे, तो मैं भी आ गई खेलने, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे चोर सिपाही, तो ये लोग खेल रहे थे क्योंकि इसमें 4 लोग चाहिए होता था, तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। कभी कभी जो है मन बड़ा उदास रहता है, तो आज ऐसे मेरे साथ हुआ, तो बस यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर ली और ये लोग खाना खा चुके हैं, बस मैं ही रह गई। खेलने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए पूड़ियाँ बनाने। तो ये जो है मैं अब बना लेती हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ी। तो ये रिफाइंड का पाउच है, मुझे हाथ से बनाना नहीं आता, टूट जाता है, तो इससे बहुत अच्छा बन जाता है। और इससे चाहे छोटा चाहे बड़ा जैसे भी बनाओ, पन्नी की मदद से बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये मेरा नया ट्रिक है और मैंने आजमाया 1-2 बार, तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं गरम गरम व्रत की थाली हो गई है रेडी। यहाँ पे मैंने सिंपल आलू की फलाहारी सब्जी बना लिया है, उसके बाद पूड़ी बना लिया है, मखाने की खीर बना लिया है। तो ये रही मेरी व्रत की थाली, कैसी रही आ जाइए आप लोग भी खाने। तो यहाँ पे मेरी व्रत की थाली तैयार हो गई है, अच्छा लग रहा है देखने में, कलरफुल लग रहा है। और फिर मेरा फलाहार होने के बाद अब इन लोग को बोल रही हूँ सोने के लिए। तो ये देखिए अभी इन लोग की पढ़ाई चल रही है, दिन भर मस्ती चलती है, रात जैसे होती है इन लोग की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इन लोग का एग्ज़ाम ये शुरू हो गए हैं, तो कल पेपर है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। और अब बस ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।